स्वागत है आप सबका इंडियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 69 के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट टेबल का रुख करते हैं क्योंकि इस टूर्नामेंट का बिजनेस एंड आ चुका है और ये आखिरी दिन है ग्रुप स्टेजेस का। इसके बाद असली कहानी स्टार्ट होती है आईपीएल की प्लेऑफ्स की। अब देखो यहाँ पे पॉइंट टेबल की तरफ, जो मुंबई की टीम है छठवें स्थान के ऊपर है। इस टीम ने अपने पांव पे खुद खिलाड़ी मारी है पिछले मैच में हार के। अब देखो बड़ी बात क्या है, मुंबई इंडियंस को मैच तो जीतना ही है। अगर एक मैच भी हार जाते हैं, वैसे एक ही मैच बचा हुआ है, ये मैच हार जाते हैं तो वैसे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, और जीत भी जाते हैं ना तो भी यहाँ पे गारंटी नहीं है क्वालिफाई कर पाएंगे। अब ये टीम आत्मनिर्भर नहीं है, ये टीम दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अब देखो, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, एक दिन पहले लखनऊ और केकेआर का गेम आज रात को, अगर इसके अंदर लखनऊ जीत जाती है डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती है। फिर देखो अब आरसीबी का मैच है यहाँ पर इस डबल एडर के बाद, अब इनको क्या एडवांटेज मिलता है आरसीबी को, आपको पता है आरसीबी के पास समीकरण रहेगा, इनके पास सिनेरियो रहेगा कि मुंबई इंडियंस जीत गई अगेंस्ट हैदराबाद, अभी जो मैच अपन कवर कर रहे हैं उसमें जीत भी जाती है तो यहाँ पे आरसीबी के पास पूरी कंडीशंस रहेगी कि हमको यहाँ पे इनका नेट रन रेट क्रॉस करने के लिए किस तरह से खेलना है। क्योंकि आप देखते हो मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट माइनस के अंदर है। इस मैच के अंदर मुंबई इंडियंस आपको एक ऐसा अलग गेम खेलता हुआ दिखेगी, एकदम खतरनाक, 250 भी बना सकती है, भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे नेट रन रेट बढ़ाना है, मुंबई इंडियंस को जीतना ही नहीं है मुंबई को भाई साहब, नेट रन रेट भी बढ़ाना है। और आरसीबी के पास पूरा सिनेरियो रहेगा कि हमको कितने ओवर में मैच जीतना है जिससे हम मुंबई इंडियंस के ऊपर जा सके। तो ये जो आखिरी दिन ना, ये भाई साहब बड़ा ही रोमांचक दिन होने वाला है, खतरनाक दिन होगा। आप देखना इसमें बहुत सारे मोड आएंगे। ये दो मैचेस है डबल हेडर का रविवार के दिन, ये दो मैचेस है वन ऑफ द बेस्ट मैचेस होंगे ऑफ द आईपीएल हिस्ट्री, ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ। अब देखो जो दूसरी टीम है यार, उसकी भी बात कर लेते हैं। हैदराबाद पॉइंट टेबल के ऊपर सबसे नीचे है, 13 मैच खेला है, 4 इन्होंने जीता है, 9 हारा है। टीम बहुत अच्छी है, बस वही बात है कि मैनेजमेंट पता नहीं क्या कर रहे हैं। पिछले मैच में आपने सुना हो तो एडन मार्करम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मैच के बाद, पोस्ट गेम जो उनकी इंटरव्यू होता है उसके अंदर उन्होंने कहा था, मेरे को पता नहीं भाई उमरान मलिक कहाँ है, उनके साथ क्या चल रहा है, जो थिंक टैंक रहता है जो सभी डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, मेरे समझ के बाहर, क्योंकि उमरान मलिक को बाहर बिठाया गया, तो उन्होंने ये भी कहा था तक। अब देखो जो ये रोड टू द फाइनल है ना, प्लेऑफ्स किस तरह से खेला जाएगा, गुजरात टाइटंस तो खेलने वाली है चेन्नई के अंदर 23 तारीख को, जो पॉइंट टेबल के ऊपर सेकंड ही फिनिश करती है वो यहाँ पे गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट खेलेगी। अब क्वालिफायर वन खेलने का फायदा क्या है, जो टीम जीतती है सीधा फाइनल में जाती है और जो टीम हारती है उसको एक और मौका मिलता है, और जो थर्ड और फोर्थ होती है पॉइंट टेबल के ऊपर वो एलिमिनेटर खेलेगी। लेट्स सी, इट्स अ बिग क्लैश, वेलकम बैक टू द क्लैश बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड सनराइजर्स हैदराबाद। मुकाबला है यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर, मैच टाइमिंग है दोपहर के 3:30 बजे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फायदा क्या, कोई भी अपडेट्स आएगी पिच रिपोर्ट रिगार्डिंग, टॉस के बाद कोई अपडेट्स आती है, 11 में कोई चेंज हो गया या क्या सीनियरी हो सकता है गेम के अंदर, कहाँ पे दूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। अब देखें, पिच रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर मैच है और ये डे गेम है। लास्ट टाइम डे गेम हुआ था एमआई वर्सेस केकेआर का यहाँ पर, ठीक है, और उस मैच के अंदर 190 बना था डे गेम के अंदर, तो इस गेम में देखते हैं कितना बनता है। ओवरऑल अपन देखें यहाँ पे रेड सॉइल की पिच होती है, रन्स बनते हैं, छोटी सी यहाँ पे बाउंड्री होती है, स्कोरिंग पैटर्न समझो जो लास्ट मैच था एमआई वर्सेस जीटी का, इसके अंदर मुंबई इंडियंस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अपने होम ग्राउंड के ऊपर, 219 का टारगेट दिया था, 5 विकेट गवा के, उस मैच में सूर्या की गजब की पारी आई थी अगर आपने मैच देखा हो तो। फिर देखो 191 बना दिया था गुजरात टाइटंस ने, वैसे तो मुंबई को रोक देना चाहिए था इनको 150 रन के आसपास, यही तो कारण है मुंबई का नेट रन रेट खराब है, इनके जो बॉलर्स है बहुत रन लीक करते हैं। आप क्रिस जॉर्डन को देख लो, कुछ नहीं किया भाई ने अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर, बेरेंडोव बेचारा अकेला लड़ रहा है, आकाश मधवाल अच्छा डाल रहा है, तो ये दो बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2-3 बॉलर्स पीयूष चावला भी, पर जो दो बॉलर्स होते हैं ना, एक तो देख लो आप पीयूष चावला को छोड़ दो, उसके बाद आप छोड़ दो यहाँ पे बेरेंडोव को, छोड़ दो आकाश मधवाल को, ये तीन बॉलर्स को छोड़ के सब मार खाए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, मेरे हिसाब से मेरिट इस गेम में आ सकता है। उससे पहले 199 बना और टारगेट चेस हो गया 16.3 ओवर्स के अंदर, सोचो आप कितना इजिली टारगेट चेस हुआ। 212 बना, ये टारगेट चेस हो गया राजस्थान के अगेंस्ट, मुंबई ने चेस कर दिया था, टिम डेविड के 3 जगमगाते छक्के आए थे, जो एकदम टॉप टीयर के अंदर बॉल गई थी। 214 बना, टारगेट लगभग चेस होने का आया था, 185 बना, टारगेट चेस हो गया 17.4 ओवर्स के अंदर, 160 बना, टारगेट इजिली चेस हो गया। अब देखो जो पिच रहती है कि कैसी दिखती है, ये देखो आप लाल मिट्टी की पिच है, पिच पे ग्रास आपको दिखती है, रन्स बनते हैं यहाँ पे और खूबसूरत है मैदान है, डे गेम है तो स्पिनर्स गेम में आएंगे। अब देखो मुंबई के ऊपर इस सीजन के अंदर 1.8 डिग्री एवरेज टर्न देखने को मिला है, इतना याद रखना आपको, डे गेम है तो आप थोड़ा सा और एडवांटेज ले सकते हो फॉर द स्पिनर्स, वैसे स्टेडियम बहुत छोटा है।
सामने की बाउंड्री 75 है, ठीक ठाक है, पर स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत छोटी है, 60 मीटर एक तरफ है, दूसरी तरफ 65 मीटर है, और बीच वाली पिच पे हुआ तो 62-62 मीटर वाली स्क्वायर बाउंड्रीज हो जाती है। पर मैंने सुना है जो यहाँ के ग्राउंड्समैन वो बोलते हैं बीच वाली पिच पे हम मैच नहीं कराते हैं, वो सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस के लिए इस्तेमाल करी जाती है। ये देखो स्टेडियम का व्यू, ये मुंबई मेरी जान, वही डायलॉग याद आता है भाई, ये धड़कन है भारत की मुंबई सिटी। अब चलते हैं यहाँ पे किसके तरफ, स्टैट्स की तरफ, जो अपन देख रहे थे लॉजिकल डेटा। इस वनिंग के ऊपर मुंबई का होम ग्राउंड है, 77 मैच खेला है, 48 मैच जीता हुआ है, हैदराबाद का रिकॉर्ड करिश्मा ही है, 11 मैच में 2 मैच जीता है और 9 मैचेस हारा है यहाँ पे। बैटिंग फर्स्ट 13 मैचेस जीते गए हैं, चेस करते हुए यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग 24 मैच जीते गए हैं, चेस करते हुए 24 गेम्स बैटिंग फर्स्ट 13 मैचेस जीते गए हैं, प्रति ओवर 9.5 के आसपास रन बनते हैं। जो लास्ट गेम था यहाँ पे MIGT का, उस मैच में 8 विकेट स्पिनर्स ने निकाल डाला था, 4 विकेट तो खान साहब का ही था, 2 विकेट कुमार कार्ती का था, 2 विकेट वहाँ पे पीयूष चावला का था, ये भी आपको गिना दिया मैंने, और 5 विकेट वहाँ पे पेसर का था, अब ये नहीं गिनाऊंगा बैठ के मैं। अब लास्ट 33 मैच में देखो क्या हुआ, पेसर्स के नाम 228 विकेट्स है, स्पिनर्स ने यहाँ पे 114 विकेट निकाले हैं। अब देखो यहाँ पे पेसर्स विकेट कैसे निकालते हैं, इनिंग्स वाइज समझो, पहली पारी में पेसर्स का 122 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 106 विकेट है, राइट आर्म पेसर 172, लेफ्ट आर्म पेसर 56 विकेट है। अब मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हूँ आपको, स्पिनर्स के 114 विकेट्स आए कैसे, 56 विकेट पहली पारी में, दूसरी पारी में 58 विकेट्स है, ऑफ स्पिनर्स का 31 है, लेग स्पिनर्स का 46 है, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 6 है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 31 है, तो लेग स्पिनर्स एट वानखेड़े आर वेरी इंपॉर्टेंट, और देखते हैं इस गेम में होता क्या है। तो यह भाई साहब मुंबई अपने वानखेड़े स्टेडियम की स्पेशल पिच रिपोर्ट। चलते हैं अब किसकी तरफ, टीम न्यूज़ की तरफ। तो आप देखें ये टीम न्यूज़ है, कोई खास न्यूज़ तो है नहीं यहाँ पे, दोनों टीम्स ने 20 मैच खेला, हैदराबाद 9 जीती है, मुंबई 11 जीती है, मुंबई ने हैदराबाद के होम ग्राउंड के ऊपर हराया था हैदराबाद को, तो यहाँ पे मुंबई ये बात सुनहरा, हैदराबाद के पास सुनहरा मौका है कि यहाँ पर आए मुंबई को अपने घर के ऊपर मुंबई के अंदर मात दें, क्योंकि ये जो टीम है ना इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हैदराबाद के पास वो पार्टी खराब करने आई है। रोहित शर्मा था कैप्टन, ओपन करेंगे ईशान किशन के साथ, कैम ग्रीन है, सूर्य दादा, तिलक वर्मा, नेहल वदेरा, टिम डेविड, क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला, आकाश मधवाल, जैसन बर्नडॉफ आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब देखो मुंबई इंडियंस के इंपैक्ट प्लेयर कौन होंगे, मोस्टली कुमार कार्तिक या रमनदीप सिंह हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस गेम में जॉर्डन बाहर हो, मेरिडिथ अंदर आए, उन्होंने थोड़ा बैटर डाला है, वो भी मतलब उसी लिस्ट में आता है, वो डिंडा अकेडमी जो चल रही है भाई साहब, उसके कैप्टन बना दिया गया डिंडा अकेडमी का क्रिस जॉर्डन को। अभिषेक भाई ओपन करेंगे, अमरप्रीत सिंह को मौका देना चाहिए, इसने कोई गलत काम नहीं किया था, अच्छा ही खेला था। त्रिपाठी, एडन माकरम, क्लासेन, ग्लेन फिलिप्स, अब्दुल समा, भुवी, फारूकी, मैक मरकंडे, नटराजन, पिछले मैच में उन्होंने पूरी बॉलिंग को ढीली कर दिया था, कार्तिक त्यागी को खिलाना चाहिए, बहुत अच्छा बॉलर है यार कार्तिक त्यागी, लास्ट गेम में खेला भी था, विकेट्स भी इसको मिलने चाहिए थे, क्रिएट किया था इसने, पर वही बात है फिल्टर ने कैच छोड़ दिया। नीतीश कुमार रेड्डी लास्ट मैच में डेब्यू किया, अच्छा डाला था वैसे। शर्मा जी 20 मैच 353 रन्स है, 127 का स्ट्राइक रेट, 21 की औसत है, बैट फर्स्ट 12 मैच में 252 रन्स है, चेस करते हुए 8 मैच में 101 रन्स है, वेन्यू के ऊपर 78 गेम्स में 2100 रन्स है, अच्छा प्रदर्शन दिया है, 15 टाइम्स 50 प्लस स्कोर्स है वेन्यू पे, 14 30 प्लस स्कोर्स, 4 डक है वानखेड़े के ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पे रोहित शर्मा की कैसी पारी आती है, एक मस्ट विन गेम के अंदर क्या रोहित शर्मा स्टेप अप कर पाएंगे, कमेंट करके बताओ। जैसे विराट कोहली ने जब RCB को जरूरत पड़ी थी तब भाई साहब हैदराबाद के अगेंस्ट ही वो खड़े हुए थे और शतक बनाया था, अपने कैप्टन भी थे, और क्या इस गेम के अंदर रोहित शर्मा खड़े हो पाएंगे, क्या अपनी कैप्टनसी को साबित कर पाएंगे, वो कैप्टनसी मतलब कैप्टनसी तो करेगा ही भाई, मतलब जो बोलते हैं ना एक रिस्पेक्ट जो होती है प्लेयर की, वो क्या गेन कर पाएंगे, क्योंकि इस सीज़न में ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है, पता नहीं क्या चल रहा है रोहित भाई के साथ, IPL में हमेशा ही रहा उनका, वो ठंडे ही रहते हैं हमेशा। 10 मैचेस के अंदर 328 रन, 134 का स्ट्राइक रेट आप देख सकते हो। ईशान किशन 10 मैच में 328 रन, 134 का स्ट्राइक रेट, बैट फर्स्ट 8 मैच में 25 रन, इस टीम को पसंद करते हैं, चेस के ऊपर 2 मैच में 43 रन है, तो लेट्स सी क्या यहाँ पर जो फैफ ने और विराट ने काम किया था वो ईशान किशन रोहित शर्मा कर पाते हैं। वेन्यू के ऊपर 25 मैच में 567 रन है। कैम ग्रीन आजकल वन डाउन नहीं खेल रहे हैं, 1 मैच में 64 रन 1 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर 64 रन की पारी आई थी हैदराबाद के अंदर, वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 129 रन और 4 विकेट है। लेट्स सी सूर्य दादा का 18 मैच में 307 रन से 138 का स्ट्राइक रेट है, 26 की औसत है, बैटिंग फर्स्ट 11 मैच में 236 रन से 24 की औसत है, चेस के ऊपर 4 मैच में 71 रन है, वेन्यू के ऊपर 42 मैच में 1300 रन से 40 की औसत है, 1 शतक, और इस वेन्यू के ऊपर 10 अर्धशतक आए हैं और 7 टाइम्स 30-50 स्कोर आए हैं। यहाँ पे जो लास्ट गेम था उसमें विराट भाई ने सूर्या की मतलब पूरी ले ली भाई, का तू
तुला मान ला अगले मैच में आता है 7 रन पे आउट। विराट कोहली ने जिस सबको तारीफ करी थी, जैसे जायसवाल की तारीफ करी, अगले मैच में वो डक पे आउट हुआ। फिर उन्होंने तारीफ करी थी एक और प्लेयर की, वो भी सस्ते में निपट गया, विद्यमान सा, ये भाई साहब भी सस्ते में निपट गया। अब विराट जो सूर्य कुमार यादव है ना, इस भाई साहब ने स्टेटस डाला था उसका, विराट कोहली का, मान ला भाई तुला। और मेरे को लग रहा है अगले मैच के अंदर जो है उसके अंदर शायद अटक सकते हैं, कौन, विराट कोहली। तिलक वर्मा का 2 मैच में 45 रन से बैट फर्स्ट 37 चेज के ऊपर 8 है, वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 185 रन है, तो बहुत अच्छा प्लेयर है तिलक वर्मा। पर इस वेन्यू पर अनफॉर्चुनेटली एक भी 50 आई नहीं है और इंजर्ड भी चल रहे हैं अभी। टिम डेविड का 2 मैच में 62 रन से 16 रन बैट फर्स्ट चेज के ऊपर 46 है। इस वेन्यू को बहुत पसंद करते हैं भाई साहब टिम डेविड, क्योंकि इस पिच के ऊपर लाल मिट्टी आप देखते हो और ऊपर से क्या चीज़ है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन टाइप पिच है, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच, कैसे बाउंसी पिच है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पिचेस होती है जहाँ पे गति होती है। नेहल वदेरा 5 मैच में 73 रन से वेन्यू के ऊपर, क्रिस जॉर्डन का 3 मैच में 6 विकेट्स हैं, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 3, सीरियस टी टीम के अगेंस्ट भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, बॉल सेकंड 2 मैच में 3 विकेट, मतलब 3 मैच खेला है और इसने 2 बार 3 विकेट हॉल निकाला, 1 बार विकेट लस गया। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 1 विकेट है, वेन्यू पे खत्म आंकड़े हैं पूरे इनके। पीयूष चावला 16 में 12 विकेट्स से इंपॉर्टेंट रहेंगे, हैदराबाद में बहुत सारे आईटी बैटर्स हैं, वेन्यू के ऊपर 15 मैच में 12 विकेट है। पीयूष चावला भी यार 4th पोजीशन के ऊपर है विकेट टेकिंग के अंदर, 20 विकेट ले चुके हैं सीजन में। आकाश मधवाल भी लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग किया, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 3 विकेट है, मस्ट पिक रहेगा अगर खेलता है और बॉल फर्स्ट करता है तो। बरेंडॉफ 2 मैचेस में 3 विकेट अच्छा डाल रहा है और 8 मैचेस में 10 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर। विष्णु विनोद 9 मैच में 190 रन से वेन्यू पे लास्ट टाइम अच्छी पारी आई थी 30 रन की। कुमार कार्तिका का 6 मैच में 7 विकेट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। शहबाज को भी मैंने लास्ट मैच में लिया था, आपने देखा हो तो, मैक्सवेल के ऊपर, और अपने लिए फायदेमंद भी रहा था वो शहबाज को लेना ओवर मैक्सवेल। तो कुमार कार्तिक को भी ट्राई किया जा सकता है इस गेम में, क्योंकि जो टीम है सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मैन के सामने फर्स्ट दिया है। अब चलते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग और बेरेंडॉफ, पीयूष मधवाल, कैम ग्रीन, डेथ ओवर के अंदर जॉर्डन, आकाश मधवाल, बेरेंडॉफ। पिछले मैच में उल्टा हुआ था, क्रिस जॉर्डन को मतलब सोचा पावर प्ले में बॉलिंग करा दी थी, 2रा 5वा 15वा 18वा। आमतौर पर क्रिस जॉर्डन पावर प्ले के बॉलर नहीं है। बेरेंडॉफ का 1ला 3रा 13वा 19वा था, पीयूष चावला का 7वा 9वा 11वा, आउट ऑफ द बॉक्स 3 ही ओवर बॉलिंग करी थी। कैम ग्रीन का 12वा 16वा था, आकाश मधवाल का 10वा 14वा 17वा 20वा। ये ज़्यादा प्रॉपर डेथ बॉलर लग रहा है मधवाल, अच्छा डाला भी था। मार्कस स्टोनिस लकी रह गए थे, जो नॉट आउट करार दिए, वो बॉल थोड़ी अंदर टेल हो गई थी। अब जो आप सोच रहे थे यार इस भाई ने टेक्टिकल डेटा नहीं दी, टेक्टिकल डेटा देखो, जो टीम है यहाँ पे कौन सी, ये मैच है हैदराबाद का और मुंबई का, ओपनिंग जोड़ी कैसी रही है पावर प्ले के अंदर, तो आप देखो पावर प्ले में टीम्स कैसा खेली है बैटिंग करते हुए। मुंबई ने 13 मैच में 16 विकेट गंवाया है और 41 की औसत है, हैदराबाद ने 13 मैच के अंदर 24 विकेट्स गंवाया और औसत भी 24 की है। तो ये जो टीम है हैदराबाद पावर प्ले में विकेट गंवाती है, मुंबई इंडियंस जीत रही है पावर प्ले के अंदर बैटिंग करते हुए। मिडल फेस ओवर 7 से 15 के बीच में, ऐसे मुंबई भाई टॉप क्लास टीम है, इसमें तिलक वर्मा आते हैं इसके अंदर, आपको नेहल वदेरा दिखते हैं, सूर्य दादा दिखते हैं मिडल ओवर्स के अंदर। तो 13 इनिंग्स के अंदर या 13 मैचों में 27 विकेट गंवाया है सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस ने। हैदराबाद की बात करें, 13 मैचों में 35 विकेट गंवाया है, 8 विकेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मुंबई इंडियंस। तो यहाँ पे भी मुंबई इंडियंस जीत रही है। डेथ ओवर के अंदर जो रूम मेरे को लग रहा है हैदराबाद अच्छा करती है, इनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, क्लासाइन होते हैं वहाँ पे, अब्दुल समाद होते हैं। तो आप देखो डेथ ओवर के अंदर टीम ने, हैदराबाद ने 13 मैच में 26 विकेट गंवाया और मुंबई ने 13 मैच में 31 विकेट गंवाया। टीम डेविड चले तो चले, वरना टीम खत्म, फिर ऐसी कहानी हो जाती है इनकी। बॉलिंग डिपार्टमेंट है तो भाई दोनों टीम आपको नीचे से ही दिखती है। मुंबई इंडियंस देखो आप 13 मैच में 17 विकेट निकाल चुके हैं पावर प्ले के अंदर, हर 28 बॉल में 1 विकेट निकालते हैं पावर प्ले में। हैदराबाद मच बेटर, 25 बॉल में 1 विकेट निकालती है पावर प्ले में, 13 मैचेस के अंदर 19 विकेट निकाले उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए। मिडल फेस मतलब ओवर 7 से 15 के बीच में, मुंबई जैसी टीम नहीं है, 13 मैचेस में 26 विकेट निकाल दिया है, 19 का स्ट्राइक रेट है। वहीं जो हैदराबाद है सबसे ही नीचे, 13 मैच में 27 विकेट निकाले मिडल फेस में, क्योंकि पिछले मैच में मरकंडे ड्रॉप हुए और मरकंडे का फॉर्म भी कंसर्न था बीच के अंदर, तो इस वजह से देखते हो आप यहाँ पर कौन जीत रही है। मुंबई जीत रही मिडल फेस में बॉलिंग करते हुए। डेथ ओवर के अंदर मुंबई देखो सबसे नीचे है, 13 मैचेस के अंदर मात्र 24 विकेट निकाला हैदराबाद ने, 13 में 28 विकेट निकाले। अब आते हैं यहाँ पर अभिषेक भाई, 7 मैच में 71 रन से एटवर्ड के अंदर, 125 का स्ट्राइक रेट है, 2 विकेट्स है। वेन्यू के ऊपर 5 मैच के अंदर 119 रन और 132 का स्ट्राइक रेट है। लेट्स सी अभिषेक इस वेन्यू पे अच्छे खेलने चाहिए, जिस तरह का इनका बैटिंग स्टाइल है खेलने का, ये विकेट इनको सूट कर सकता है। अनमोल प्रिंस सिंह एक्स प्लेयर है मुंबई का, मुंबई की स्काउटिंग टीम ने इसको बहुत ट्रेन किया था, बड़ा किया, खिलाया गया था 2-3 मैच, तो लेट्स सी।
रॉयल त्रिपाठी का 10 मैच में 227 रन। अबे त्रिपाठी को लेना है नहीं लेना आप मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं परेशान हो चुका हूँ यार उस बंदे से। इतना बढ़िया प्लेयर है, मतलब फैंटेसी की बात अलग है, मैं देखना चाहता हूँ बंदा रन बनाए अपनी टीम के लिए, अपने नाम के आगे रिस्पेक्ट ले थोड़ा सा। है वैन के ऊपर 11 मैच में 25 रन से विकेट शूट करना चाहिए इनको, 143 का स्ट्राइक रेट है, जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं त्रिपाठी। माकरम 4 मैच में 67 रन है, एटोड में अगेंस्ट मुंबई 42-2-22 बैट फर्स्ट, 130 का स्ट्राइक रेट है, वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 100 रन है। फिर आएंगे हेनरिच क्लासेन, पिछले मैच में शतक करके आ रहे हैं, खूबसूरत एक खिलाड़ी है, पूरी सीजन में अपन बात कर रहे थे इसकी, एक बड़ी पारी तो आनी पेंडिंग है और पिछले मैच में आता है, और एक सीजन के अंदर इसने इतना नीचे डाउन द ऑर्डर खेलते हुए क्या कर दिया, 400 रन कर दिए इस टूर्नामेंट के अंदर। भाई बड़ा एक खूबसूरत प्लेयर है क्लासेन, मैं इसको 6 साल से देख रहा था जब ये टाइटन्स के लिए खेलता था, जो टाइटन्स की टीम है ना साउथ अफ्रीका के अंदर, उसमें बॉलिंग भी करता था बैटिंग भी करता था, हर मैच में अपना कैप्टन होता था उस टाइम पे जब अपन वो खेलते थे मोमेंटम कप जो होता था, बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट होता था वो भी। ग्लेन फ्रिप्स का 1 मैच में 4 रन है बैटिंग फर्स्ट 4 करते हुए, अब्दुल समाद का 5 मैच में 38 रन है, ठीक ठाक नंबर्स है, बूबी का 17 मैच में 20 विकेट से 19 का स्ट्राइक रेट है, विकेट इनको सूट कर सकता है, 9 मैचेस में 11 विकेट है बॉल सेकंड, 8 मैच में 9 विकेट्स है। लेट्स सी, विकेट पे कोई खास नंबर्स वैसे नहीं है, 12 मैच में सिर्फ 11 विकेट्स, इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है, 7 की है और 22 का स्ट्राइक रेट है। फिर आते हैं यहाँ पे मैक मर्कंडे, एक्स प्लेयर है मुंबई का, 1 मैच में 0 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 8 विकेट है। नट्टू भाई 4 मैच में 1 विकेट है, बहुत मारा भाई मुंबई वालों ने उसको, 11 की इकोनॉमी है, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 0 विकेट है, 13 की इकोनॉमी है वेन्यू के ऊपर भी, और हेड टू हेड के अंदर भी नटराजन बहुत पिटाई खाया है। फारूकी का 1 मैच में 0 विकेट है, एटोड में वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 2 विकेट्स है। कार्तिक त्यागी अच्छा बॉलर है, ये भी मार तो खाया ही है, 10 की इकोनॉमी है, हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 1 विकेट है। मार्क कोनिसेन 1 मैच में 2 विकेट, अच्छा बॉलर है वैसे ही। अग्रवाल साहब 16 मैच में 350 रन, उमरान मलिक 2 मैच में 4 विकेट्स है, इस टीम के अगेंस्ट 10 का स्ट्राइक रेट है, वेन्यू को बहुत पसंद करते हैं उमरान मलिक, 5 मैच में 11 विकेट्स है, इस गेम में खेल सकते हैं और अपना एग्रेशन दिखा सकते हैं, जहाँ पे 150 डाल रहे थे इस मैच में 155 डाल देंगे, इतने टाइम रेस्ट मिला इनको बॉडी को और इतना एग्रेशन होगा इस बंदे के अंदर इस गेम में, देखना आप तो कुछ भी हो सकता है, खेलेगा तो शायद मैं टीम में इस मैच में रखने की कोशिश करूंगा। भुवी नट्टू फारूकी स्टार्टिंग और सेम फॉर द डेथ, और पिछले मैच में भुवी का था 1, 5, 15, 18, नट्टू का 3, 6, 17, 19 था, वहीं यहाँ पे अभिषेक का 2, 11, 14 था, और ग्लेन फिलिप्स का 12, मार्कोनी से नहीं खेले, मैंक दागर खेला था 8, 10, 13, 16 डाला था, कार्तिक त्यागी का 4th और 20 था मात्र। राइट शर्मा का मैचअप है आदिल के सामने, नट्टू भाई के सामने, पर वही कोई खास मैचअप नहीं है, ईशान किशन का भी कोई खास मैचअप नहीं, उमरान ने जरूर 2 बार आउट किया 17 बॉल में 33 रन देके, कैम ग्रीन का कोई खास मैचअप नहीं है, सूर्य दत्ता का है यहाँ पे, आदिल रशीद 17 बॉल 39 रन 2 बार आउट किया है, अखिल हुसैन ने 17 बॉल में 64 रन देके 2 बार आउट किया हुआ है। फिर आते हैं यहाँ पे टिम डेविड वर्सेज अखिल, टिस्टन स्टब्स कोई खास मैचअप नहीं है, ये भी कोई खास मुझे लगा नहीं, सबको एक एक बार आउट किया है। त्रिपाठी की लाठी अगेंस्ट पीयूष चावला, 8 बॉल 7 रन 2 बार आउट किया, बैरनडॉफ ने 3 बॉल में 2 रन देके 1 बार आउट किया है, और ये लेफ्ट आर्म पेसर और लेग स्पिन के सामने फंसते हैं, नाम भी आपको दोनों वैसे ही दिखेंगे यहाँ पे। क्लासेन लेग स्पिन बहुत अच्छा खेल रहा है, मैं खुद एक एज ए क्रिकेटर के तौर पर बैकफुट पर स्पिन को खेलना पसंद करता हूँ, टाइम एक्स्ट्रा मिलता है और बहुत अच्छी टेक्निकल क्लासेन की स्पिन खेलने की। अग्रवाल वर्सेस चावला 13 बॉल 19 रन 2 बार टपका है, लेग स्पिन थ्रेट अगेंस्ट दिस टीम हैदराबाद 10 इनिंग्स में 17 विकेट दिया है, मुंबई ने 10 इनिंग्स में 16 विकेट दिया, दोनों टीम की एक जैसी कंडीशंस है, वैसे खराब नहीं खेला हैदराबाद ने लेग स्पिन को, 145 का स्ट्राइक रेट है, बेस्ट अमॉन्ग ऑल द टीम आफ्टर गुजरात एंड लखनऊ। लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात करें तो ये दोनों टीम्स ने अच्छा खेला, किसी ने खराब नहीं खेला ज़्यादा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, 8 इनिंग्स में 13 विकेट दिया है, 15 की मात्र औसत है, 144 का स्ट्राइक रेट है, मुंबई ने 6 इनिंग्स में 6 विकेट दिया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को। ऑफ स्पिन थ्रेट ज़्यादा खास नहीं है किसी टीम के ऊपर भाई, इस मैच में फिर से आपको 50,000 रुपये का गिव अवे देखने को मिलता है, साइन अप कर लो फ्री के अंदर, 500 रुपये साइन अप बोनस मिल जाएगा, आपको क्या चाहिए फैंटेसी में, ये तो चाहिए। 0 कमीशन कॉन्टेस्ट यहाँ पे लाइव है, जिसमें आपको 1 रुपये कमीशन नहीं देना पड़ता और एंट्री फीस सबसे कम है यहाँ पर, कंपेयर करके देख लो, ट्राई करके देखो क्या जाएगा आपका, रेफरल कोड स्टार्ट जरूर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कॉमन कैप्टन सूर्य, ईशान, बड़ी लीग में बनाओ एडन माकरम, त्रिपाठी, क्लासेन और अभिषेक में से कोई एक बड़ी पारी खेलने को इस गेम में देखेगा। 1 मिलियन का मिशन है, देखते हैं कब पूरा होता है, और अपना मोबाइल ऐप है स्टैट्स गुरुजी नाम से, जिसको अभी एक्टिवली 15,000 लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है,
एक्टिव यू मतलब समझ रहे हो, इंस्टॉल तो सब कुछ 50,000 के आसपास है, पर अभी जो एक्टिव यूजर्स है इसमें 15,000 है। ये फैंटेसी ऐप नहीं है, इसमें आपको प्रीव्यू मिलता है जो मैच के स्टैट्स मैंने आपको वीडियो में दिए ना सारे, ये सारे जो स्टैट्स आपको दिख रहे हैं ये सब आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी, टीम्स की। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने कैप्टन किया हुआ है ईशान किशन, वाइस कैप्टन सूर्या, रोहित शर्मा टीम के, मुंबई की फेवरेट टीम है, कुमार कार्तिको भी को मैंने लिया हुआ है। लेट्स सी कैसा क्या करते हैं, इस गेम में खेलनी चाहिए, डे गेम है। और जो हैदराबाद की टीम है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ने फर्स्ट दिया, पर गारंटी नहीं है कितने ओवर डालेंगे, क्लास एन स्ट्राइक पे होते हैं और कुमार कार्तिक का बॉलिंग करते हैं तो क्या पता 2-3 छक्के उसी ओवर में पड़ जाए और फिर शायद बॉलिंग करने ही ना आए और कैन ग्रीन वहाँ पे 2-3 ओवर डाल जाए और 3-4 विकेट निकाल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा लॉजिकली मैं कहूँ तो कुमार कार्तिक इज ए बेटर पिक, बस वही बात है क्लास एन जैसा बेटर सामने ना हो। बैरेंडा ऑफ है, मधवाल इज ए प्रॉपर डेथ और बॉलर, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। पीयूष चावला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, त्रिपाठी की लाठी चलेगी या नहीं ये आप ही कमेंट करके बताओ मेरे को, लेना है या नहीं उस भाई को। माकरम है क्लासिन है यहाँ पे, त्रिपाठी जी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, कीपिंग के अंदर दो ही बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, दोनों को लेके चलो आप। यहाँ से देखते हैं तो सूर्या एंड द मोस्ट अवेलेबल प्लेयर फॉर मी, रोहित शर्मा इस गेम में आपको फिर से खेलते हुए दिखेंगे, अच्छे प्लेयर है, मेरे कैप्टनसी के पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। अभिषेक भाई को भी ट्राई कर सकते हो, त्रिपाठी को मैंने लिया हुआ है फिलहाल। नेहल वदेरा वन डाउन प्रमोशन मिलता रहता है भाई को अगर तिलक वर्मा नहीं खेलते हैं तो। टिम डेविड ग्रैंड लीग में ट्राई करो, एक क्विक फायर पारी खेलने को देखेंगे, इस बार हैदराबाद का डेथ डिपार्टमेंट इतना खास दिखा नहीं है। एडन इंपॉर्टेंट है, कैम ग्रीन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप ले सकते हो, कितने बॉलर्स खेल रहे हैं और कौन से बॉलर्स हैं, क्या वहाँ पे कोई पार्ट टाइमर ऋतिक शौकीन जैसा बॉलर आ गया है तो फिर आप कैम ग्रीन को और टीम में रखने की जज्बा दिखा सकते हो। पीयूष चावला वो भी इंपॉर्टेंट है, बैरेंडा ऑफ इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मेरे को, फिर आकाश मधवाल और कुमार कार्तिक भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। जॉर्डन बॉल फर्स्ट में ट्राई करो, नंबर्स बहुत अच्छे हैं अगेंस्ट हैदराबाद, तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। उमरान खेलेगा तो ग्रैंडिंग में ट्राई करना, अच्छा बॉलर है। मेडिथ खेलता है तो मैं इनको ले लूंगा क्योंकि मेडिथ जब भी खेला विकेट निकाल के देता है। देखते रहे स्टैट्स, जो लिंक ऑफ द टेलीग्राम फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आप किसके लिए यहाँ पे चेयर कर रहे हो, हैदराबाद के लिए या फिर मुंबई की पार्टियां बिगाड़ना चाहते हो, कमेंट करके बताओ मेरे को। मैं चाहूंगा यार मुंबई जीते, बहुत अच्छी टीम है, सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है और सूर्या उसमें खेलते हैं, उसमें रोहित खेलते हैं, उसके अंदर आपको पीयूष चावला जैसे एक खूबसूरत क्रिकेटर देखते हो तो कौन नहीं चाहेगा। हैदराबाद ने गलत नहीं किया, मैं तो हमेशा जो टीम हारती है उसको सपोर्ट करता हूँ, मेरा हमेशा रहा है जो टीम हारती हुई दिखती है मैं कहता हूँ भाई ये जीत जाए और वो जीतती है तो अलग खुशी होती है, मेरा हमेशा ये फॉर्मूला रहा है। राजस्थान को मैं सिर्फ सपोर्ट करता हूँ एक टीम को, और जो भी मैच होता है मैं सोचता हूँ जो टीम हार रही है उसको सपोर्ट करो, जीत गई तो खुशी। सीज़न जय हिंद।